घर की धरती पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आकर जनता को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान देवघर की धरती पर बने एम्स अस्पताल में 200 बेड के वार्ड का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन पूरी तैयारियों में जुटा है। 12 जुलाई को संभावित है कि देवघर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले देवघर स्थित जो नवनिर्मित एम्स है उसमें 200 बेड के वार्ड का उद्घाटन करेंगे, जहां पर अभी तक ओपीडी की सेवा चालू थी, लेकिन अब यहां पे बेड लग जाने से लोगों मरीजों को और भी बेहतर सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि मोदी के आगमन को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और तैयारियों को लेकर भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। वैसे में संभावित है कि नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को यहां पहुंचेंगे और एम्स में बने 200 बेड का वार्ड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे का मुख्य उद्देश्य देवघर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात झारखंड वासियों को देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर में आगमन है उनका, और उस आगमन को लेकर आप देख सकते हैं विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में आगमन करेंगे उसके बाद वो सीधे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उद्घाटन की विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा यहां पर सुरक्षा के साथ साथ उद्घाटन को लेकर व्यापक इंतजाम कर रहा है, और संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालाँकि एक दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, और वो एयरपोर्ट को उद्घाटन करने के बाद सीधे वो यहाँ से देव मंदिर भी पहुँचेंगे, बाबा नगरी मंदिर जाएंगे, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगे। तो तमाम यहाँ को विशेष रूप से तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के साथ साथ व्यापक इंतजाम यहां किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री दौरा के उस संभावना को लेकर विशेष रूप से जिला प्रशासन देवघर की वो यहां तैयारी में जुटा हुआ है। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कई यहां पर देवघर की जनता को कई सौगात भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची। बाबा वैद्यनाथ की नगरी अब बहुत जल्द हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रही है। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन संभावित है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए टिकट बुकिंग भी चालू कर दी गई है। एक्जिको बुकिंग साइट के द्वारा ये बुकिंग शुरू की गई है, चालू किया गया है कि जिसमें 12 जुलाई को शाम 4 बजे देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट की उड़ान होगी और शाम 5:10 पर कोलकाता पहुंचेगी। देवघर एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जहां 2,500 मीटर का रनवे है। बाबा नगरी मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए संभावना जताई जा रही है। इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष रूप से तैयारी चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को देवघर का दौरा करेंगे, और साफ तौर पर आपको मैंने दिखाना चाहूँगा कि 12 जुलाई को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर की धरती पर उतरेंगे उसके बाद सीधे वो यहीं बाबा नगरिया पहुँचेंगे और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ 20 मिनट उनकी जो समय है 20 से 25 मिनट इस मंदिर प्रांगण में रहेंगे। भोले बाबा के मंदिर के साथ साथ तमाम यहाँ जो मंदिरें हैं तमाम देवताओं का पूजा अर्चना करेंगे, और सीधे यहाँ से फिर वो जाएंगे एयरपोर्ट, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ भी 200 बेड का एम्स अस्पताल में भी अस्पताल का वार्ड का उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर दौरा है उसको लेकर इस बार देवघर की जनता को प्रधानमंत्री कई सौगात देंगे सावन से पहले, और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रैफिक के साथ साथ सुरक्षा के लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, हमारे साथ स्थानीय पत्रकार उनसे बात करेंगे। विकास जी, क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री को दौरे के? बिल्कुल, देखिए संभावना जताई जा रही है कि 12 जुलाई को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर दौरे पर होंगे, जहां पर सबसे पहले वो देवघर नवनिर्मित हवाई अड्डा में जो है उद्घाटन करेंगे, और साथ ही साथ देवघर बाबा मंदिर पहुँचेंगे। बाबा मंदिर पहुंचेंगे यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का जो है यहाँ पे प्रोग्राम है, उनका कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ से यहाँ के बाद एम्स में 200 बेड का एक हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो देखिए लगातार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जांच की टीम जो है देवघर पहुंच रही है, और टीम
सुरक्षा को लेकर व्यापक जो है इंतजाम कर रहे हैं। देवघर में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कई सौगात भी प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों को देंगे, साथ ही साथ यहाँ का स्थानीय लोगों के साथ पूजा में जब यहाँ पूजा करने आएंगे तो मंदिर कमेटी के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और खासा इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसा कि संभावना जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे और उसके बाद